दोस्तों, मैं पंकज धवानिया आज इस वीडियो में आपको फील्ड बांधने बताऊंगा नई फील्ड कैसे बांधते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दो फट्टे हो गए और ये इसका फर्मा हो गया और ये इसका पोल हो गया। ये वाइट पेपर, ये टेप, कॉटन टेप और ये हमारा धागा हो गया। तो ये सब चीज़ इसमें लगेगा। ये हमने काट रखा है, इस पर निशान लगा रखा है और ये फूटे की मदद से लाइन खींच रखी है जिससे कि हमारा बिल्कुल फर्मे के निशान के बराबर हो। इससे थोड़ा फालतू काटने से उसमें तार बाहर नहीं निकलता जो हम बारीक लगाते हैं। ठीक है जी, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे डाटा लिया था आर्मेचर का और फील्ड का। आर्मेचर की वीडियो मैंने आपको दिखा चुका हूँ पहले ही, अब जो फील्ड की वीडियो है, ये एल्युमिनियम का तार है, ये तीन तार हो गए तो इससे ये फील्ड बना रहे हैं। तो हमने इनसे कहा था जो आप फील्ड बनाओगे उसकी एक वीडियो हमें दे देना जिससे कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें हौसला मिले और इस तरह की चीज़ें उन्हें समझ में आए, देखें। वो जब वो ये कर सकते हैं तो वो देख के और वो सीखेंगे और हौसला बनेगा। कई ऐसा लगता है कई बार व्यूअर को हमारे कि ये हमारे बस की बात नहीं है, पर आप ये देख सकते हो, ये हमारी वीडियो देख देख के लोग प्रभावित हो रहे हैं जिससे कि उन्हें करने का उत्साह आ रहा है और वो फील्ड बांध रहे हैं और काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी इस चीज़ को देख सकते हो कि किस तरीके से ये फील्ड बना रहे हैं और इसमें इनके हाथ में छोटी सी मशीन है जिससे कि एक पाइप लगा लो बीच में और एक एंगल पे दो बैरिंग, उसमें शाफ्ट लगाओगे आगे चूड़ी वाली, पीछे एक हैंडल वेल्डिंग करा लो, ये हमारी मशीन बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं क्योंकि इनको एल्युमिनियम का तार मिल नहीं रहा था उस वजह से इकट्ठा ही मिला और इन्हें अलग अलग करके लपेटना पड़ रहा, वजन भी करके एक साथ नहीं मिला, इसलिए एक ही तार में से वजन कर करके ये लपेट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने आराम से कितने उससे तार लिपट रही है, थोड़ी टाइट रहती है तो ये भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। फिर भी ये देख सकते हैं आप, ये मोटी वाली तार लिपटती है पहले फील्ड बनने के लिए, फिर बारीक वाली उसके ऊपर लिपटती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये बीच बीच में इन्होंने ठोका भी है, ये बेहतर काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है हमें जब ये ऐसे करते हैं कोई भी और हमें वीडियो देते हैं, लो जी आप हम वीडियो लो और देखो हम कैसा काम करा कैसा नहीं। अब हम इसे यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो जो इनसे सीख के कोई प्रभावित हो गए देखेंगे, हाँ जी इन्होंने भी ऐसे करा है तो हम भी करने की सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबको आइडिया देता हूँ, सिखाता किसी को नहीं हूँ, सबको एक आइडिया देता हूँ, एक हौसला देता हूँ जिससे कि आप लोग इस काम को कर पाते हो और अपने रिक्स पे करते हो, ना कि इसमें मेरा कोई रिक्स है ना कोई वो है जिससे कि मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ, हाँ जी मेरी जिम्मेदारी ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खाली आपको एक आइडिया देता हूँ इस तरीके से करें और आप अपना खुद ही हौसला जाहिर करते हो और मैं आगे पस पीछे रहता हूँ, कोई भी दिक्कत होती है तो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। ये उसी तरीके के हैं जिस तरीके से आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा आइडिया लेना चाहते हैं, कोई भी बंदा होता आज के टाइम में उसे थोड़ा आइडिया चाहिए और वो आगे कुछ भी कर सकता है जो करने वाला होता है। तो ये इसको देख सकते हो आप कितने आराम से इन्होंने मोटी तार लपेट दी। अब ये इस पर ये जॉनसन टेप हैगी, चिपकने वाली टेप है जो हम मोटर वाइंडिंग पे भी लगाते हैं, तो वो ये इस पर लगा रहे हैं जिससे कि ये कभी हीटिंग ना हो और शॉर्टिंग जल्दी ना हो, तो उस वजह से बढ़िया भी काम कर रहे हैं ये। और इसी तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरीके से फील्ड बन रही है और इन्हीं को देख के आप अपनी फील्ड बना सकते हो। ठीक है जी, ये देखेंगे इस पे ग्रीन पेपर लगाएंगे जो हमारा पेपर होता है, आप 7 नंबर या 10 नंबर कोई सा भी लगा सकते हो, ये एल्युमिनियम की फील्ड है तो इसमें हम 10 नंबर भी लगा सकते हैं या 7 भी, आपकी इच्छा है। ये साइड साइड से इन्होंने बगल से थोड़ी थोड़ी काट ली जिससे कि मोड़ने में जब ये राउंड होएगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, अच्छा जो हमारे नए व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को इस लाल बटन को दबा के काला करें, सब्सक्राइब कर लें
जिससे कि हमें कोई भी वीडियो हम घेरेंगे तो आपसे जुड़े रहेंगे और आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और इसमें इसके बगल में एक घंटा भी होगा जो बेल आइकन है, उसे आप दबाओगे तो घंटी की तरह दिखाई देगी जैसे बज रही हो। जब भी हम कोई नई वीडियो घेरेंगे तो आपको वो आपके YouTube पे आएगी, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपको ये फील्ड बांधनी है, और कोई भी दिक्कत होती है, हमारा दूसरा चैनल भी है PD इलेक्ट्रिशियन, तो उसमें जाके भी आप हमारा WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये फुल रहता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिससे कि टेलीग्राम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और उसमें हर चीज़ आपको कोई भी घेरते हो तो कोई नहीं बता पाता, टाइम नहीं होता, तो आप बैक जाकर देख सकते हो क्या क्या किस में क्या फॉल्ट था, क्या क्या दिक्कत हुई, तो वो उसमें सब मेंशन कर रखते हैं, दिखा के रखते हैं, तो आप उससे सीख सकते हो काफ़ी कुछ। तो आप टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, हम इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि WhatsApp ग्रुप ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, ठीक है जी। तो ये देखें, अब इन्होंने लपेट लिया, अब ये इतना तार इनका बचा है, तो इसके हिसाब से ये आप देख सकते हैं मैं इसका वेट कितना वेट है और कितना गेज है, मैं बीच बीच में लिख के दे दूंगा, जिससे कि आप उसमें देख सकते हैं क्या होता है। जैसे कि अब मैं बताता हूँ तो कई बार बंदे होते हैं कि उन्होंने बीच बीच में देख लिया छोड़ छोड़ के, तो उसमें वो देखते हैं कि आपने गेज और वो बताया ही नहीं, तो इसलिए सुन नहीं पाते। तो मैं लिख दूंगा जिससे कि आप अच्छे से देख पाएँ कि क्या गेज है, क्या वेट है, और एल्युमिनियम का कितना वो है। इसका 6 इंची पोल है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, और आर्मेचर जब वाइंडिंग करा था उसमें आर्मेचर का डाटा बताया था मैंने, आप पिछली वीडियो देख सकते हो, या आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये बारीक तार भी हमारा लिपट चुका है, मोटा भी लिपट गया हमारा, बारीक भी, और ये हमारी फील्ड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे खोल के इसे बांध लेते हैं, इसमें से निकालेंगे अभी हम। ये देखें, ये देखें हमारी फील्ड खुल चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है फील्ड देखने में, बिल्कुल अच्छी लग रही है। ये जो हमने ग्रीन पेपर लगाया था वो बारीक तार को गैपिंग दे रहा है, जिससे कि हमारी मोटी तार में शॉर्ट ना होए, ये आप देख सकते हो। और हम इसमें चारों तरफ धागा बांध लेते हैं, जिससे कि बीच की हम फरमा निकालेंगे तो हमारे सारे तार बिखर ना जाए या लूज ना हो जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें तार ज़रूर बांधना है, अंतर तार हल्का सा खींचने पे स्प्रिंग की तरह बाहर आ जाएगा, हमारी कोयल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी खोलने पे, तो इस वजह से हमने धागा बांध लिया है। तो आप देख सकते हैं हम चारों तरफ इसमें धागा बांध लेते हैं, हमारे व्यूअर ने चारों तरफ धागा बांध दिया है। ये देखें, इस पोल को फिर निकालेंगे, इन्होंने एक थोड़ी सी मिस्टेक की थी, जब ये बीच में गिट्टी है, आप गिट्टी के हो या फर्मा के हो, इसमें जब लगाते हैं तो इस पर ग्रीन पेपर या वाइट पेपर लपेट लेते हैं, जिससे कि हम तार लपेटते हैं तो वो लकड़ी में गड़ता नहीं है और वो हम आराम से निकाल देते हैं। अभी देखें, हल्की इसमें चोट मारेंगे तो ये थोड़ा टाइट निकलेगा, और जब हम उसमें पेपर लगा के रखते हैं और जब हम उसमें चोट मारेंगे हाथ से भी दबा देंगे तो वो एकदम आराम से निकल जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए कि इस चीज़ में कौन क्या मिस्टेक करता है, तो थोड़ी सी इसमें ये मिस्टेक है, तो ये देख सकते हो आप। अब ये ठोक के निकाल लें, ये देखें कितनी टाइट है, इतनी देर में निकल जाती है ये, पर जब हमारा पेपर नहीं लगा होता तो नहीं निकलती, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना टाइट निकला, और जो हमारे उस पर ऊपर पेपर होता तो ये दिक्कत नहीं होती, ठीक है जी। और ये हमें तार हमेशा ध्यान रखना है, तार ये हमें साइड में निकालने हैं दोनों, ये तार दोनों हैं ये साइड में निकालने हैं, ये हम ज़्यादातर क्या कर देते हैं ऊपर से ही निकाल के
निकाल दें, जिससे कि हमारी फील्ड जब टाइट होती है इसके कवर में तो वो तार हमारे उसमें टकराता है। कई बार फील्ड लूज होती है तो बॉडी में तार शॉर्ट होके यहाँ से कट जाता है या स्पार्क मारता है, तो इसलिए हमें ये साइड से निकालनी चाहिए, जिससे कि हमारी फील्ड भी मोटी ना हो और आराम से बैठ सके। कई बार ये अड़ जाती है तार और ये दिक्कत करती है। तो आप जब कभी बांधोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि बीच में से जहाँ से तार कनेक्शन है वहाँ से जार टाइट हो गया और दूसरी तरफ से गैप है, तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। अभी देखें, ये चारों तरफ से इन्होंने कनेक्शन भी बांध दिए हैं, अब इस पर कॉटन टेप कर देंगे। तो दोस्तों, ये फील्ड की वीडियो थी। आपको मुझे कमेंट में बताएं कैसी लगी, अच्छी लगी कैसी लगी, और कोई भी हमारा जो व्यूअर या सब्सक्राइबर है कोई भी अपनी वीडियो देना चाहता है तो हमें टेलीग्राम पे दे सकता है और हम उसकी वीडियो पब्लिश कर देंगे, और उसमें जो भी कमी होगी या जो जो चीज़ रही है वो उसमें हम बताने की कोशिश करेंगे, उन्हें और कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये वीडियो देख सकते हैं, ये कॉटन टेप लपेटने का, जैसे कि खींच रहे हैं तो कॉटन टेप पकड़ के भी लपेट सकते हैं, क्योंकि इसमें एक कॉटन टेप दे देखो फिर छोड़ दिया इन्होंने और ये फिर लपेट रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो दे रखी है सबसे पहले की, तो उसमें मैंने एक फील्ड पर कॉटन टेप लपेट के दिखाई है कि कॉटन टेप को पकड़ के ही कॉटन टेप लपेटनी चाहिए, इस तरह से हल्का फ़र्क पड़ता है ढीलेपन का। पर ये फिर भी काफ़ी अपनी कोशिश कर रहे हैं पूरी फील्ड टाइट करने का, पर ये टाइट भी हो रही है सही है, पर फिर भी जो हमारा तरीका है हम कॉटन टेप को पकड़ के रखेंगे, जिससे कि एक ही हाथ से हमें खिंचाव भी हो जाएगा और हम लपेटते भी रहेंगे। बार बार जैसे सीधे करनी पड़ रही है फिर ये तिरछी हो जा रही है, टाइम खराब, तो उसमें थोड़ा हमारा स्पीडली काम होएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो देख रहे हो, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करें, और जो हमारे नए व्यूवर हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखने। ये देखें दोस्तों, इसी तरीके से हमारा साथ देते रहें और ज़्यादा लाइक करते रहें हमारी वीडियो को। और ये देखें, इन्होंने पूरी कर दी है फील्ड, कंप्लीट हो गई है। तो ये देखें कनेक्शन ऊपर मोटे मोटे से लग रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको साइड में थोड़ा सा करके लेने हैं, जिससे कि हमारी फील्ड बढ़िया रहे। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ये देखें, ये हमारी और वीडियो है और इसमें आपको नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। हमको लगता है कि हम ये वीडियो देख चुके हैं, पर हम वीडियो जब दोबारा देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ नया सीखा है। ये आपके साथ होता है या नहीं होता है, आप एक बार कोशिश करके देखोगे तो आपको भी लगेगा हमने कुछ और नया सीखा है दोबारा देखने के बाद। ठीक है।